अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है भाई? ठीक है भाई जान, आपको पता है हमारे यूथ के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? साड़ी यूथ का सब तो बड़ा मसला है खराब सेब वर्गा फोन होना चाहिए हाथ च, टुटे मरगाठा वाली मोटरसाइकिल होनी चाहिए, पाटे गोडिया वाली जीन्स होनी चाहिए, मोबाइल च एक दर्जन लड़कियां दे फोन नंबर होने चाहिए ने। जे सारिया सहूलत ना मिलन तो साड़ी यूथ मायूस है। ये तो अपनी कच्ची आबादी की बात कर रहे हैं ना। मोस्टली नौजवानों को ये सब मसाइल नहीं है। नौजवानों की तरफ से इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे इतने गुम हो चुके हुए हैं कि गेट वेल सून का मैसेज अपनी दोस्त की तस्वीर पे कर लेंगे, लेकिन घर में बीमार बाप को नहीं जाके पूछेंगे अब्बा जी तबीयत ठीक है। लेकिन ये गलती बट साहब अब्बा जी की भी है, उन्होंने चाहिए अपनी बीमारी की पोस्ट सोशल मीडिया से ला ताकि बच्चा वेखदे ही मौत पवे अबू बीमार है। वैसे कितनी अजीब बात है ना ये, बट जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट जी अगर ऐसे ही चलता रहा ना देन चिल्ड्रन विल लूज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द हाउस। लेकिन ये जो गलती माँ बाप दी है वैसे ज्यादा। अच्छा, अपने बच्चे का दिल लाने वास्ते जिन्होंने असं पंजाबी च कहने आरे लाने वास्ते बहलाने वास्ते फटाफट फोन फड़ाते हैं कि बच्चा ये लगा रहे, वो बच्चा हौली हौली फोन च लगा रहा माँ प्यो पुछता ही नहीं। बात आपने बिल्कुल सही कही, इसलिए अमेरिका के अंदर नया रूल पास हुआ है कि 14 ईयर्स से लेस बच्चों को मोबाइल्स की इजाजत स्कूल के अंदर स्पेशली नहीं दी जा रही ताकि स्क्रीन टाइम कम से कम हो। लेकिन साढ़े इतने कानून नहीं अप्लाई होता बट साहब। क्यों? स्कूल च एक बच्चे ने छोटे जे मैं पूछा, मैं इधर आओ बेटे स्कूल में फोन क्यों लेके आए हो? कहना मेरी आंटी वजीरे आला है, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। भाई वजीरे आला से याद आया, आज हमारे पास मौसीकी के वजीरे आला आ रहे हैं। खातिनो हजरात प्लीज आपकी भरपूर तालियों में, वाकई इनका नाम जो है वो पाकिस्तान की पहचान बन चुका है, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, क्लासिकल मौसीकी कवाली या आप यहां तक इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग कुछ भी इनसे करवा लें, वाकई ये वजीरे आला हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम जावेद बशीर। जावेद सर बहुत प्यारा, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जावेद भाई आते ही आपने दिल लगा दिया सच में, आप लोगों की ये अच्छे कानों की वजह है और अच्छे समात होने की वजह है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन इनके कान तो अच्छे नहीं, फिर भी इनको अच्छा लगा आपका गाना। ये तू टाइम काट के ना तीली फड़ते कान साफ कर ले। जावेद बशीर साहब वाकई आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्या खूबसूरत अल्लाह ने आपको आवाज दी है, पाकिस्तान के हमेशा से आप फख्र रहे हैं, कोई दुनिया से तुझे कोना नहीं छड़िया। बिल्कुल, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया के ऊपर आजकल सिंगर को होना कितना जरूरी हो गया है। ये एक आसानी है मुझे लगता है कि आप मोबाइल ऑन करते हैं और फेसबुक पे चले जाते हैं और हर बंदे की वो पोस्ट आ रही होती है, तो वो जो इजियर है ना वो उसकी वजह है लोग वो इजी साइट पे जाते हैं जल्दी हिट होने का एक। हाँ वो मतलब वो बहुत जरूरी है, मगर फिर उसमें बहुत सुरीले बंदे भी हिट हो रहे हैं ना। हाँ। अच्छा जावेद भाई की जितनी आवाज अच्छी है उतने इनके मुकद्दर भी अच्छे हैं। पूछो क्यों? क्यों इन्हां दे किसे गाने ते चाहत फतेह अली खान दा ध्यान नहीं पिया? एक टाइम होता था एल्बम बनती थी कि जी साल डेढ़ साल के लिए आर्टिस्ट स्टूडियो में गया है, काम हो रहा है, लिखाई हो रही है, शेर व शायरी हो रही है, अब वो एल्बम का दौर ही खत्म हो गया, सिंगल्स अब आ रहे हैं। वो एल्बम वाला दौर अच्छा था या सिंगल्स वाला दौर? एल्बम वाला दौर बहुत अच्छा था, उसमें आपको शायरी ढूंढनी पड़ती थी, सपोज 8-10 सॉन्ग होते थे, बिल्कुल, उसकी कंपोजिशन बनानी सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक शायरी अच्छी मिल जाए तो उसको कंपोज करना कितना मुश्किल है, और फिर उसको रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल है, फिर उसका ट्रैक बनाना कितना मुश्किल है, फिर उसको उसमें आप वोकल मिक्स करते हैं, फिर मिक्स मास्टर बनता है, वो फिर वो एक टाइम लगता है। हाँ वो ओरिजिनलिटी थी मेरे ख्याल। वाह वाह, अब तो और मतलब आपको पता है कि वो मैंने अभी वो एक देखा था, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब किसी भी ट्रैक को आप अलग अलग AI जनरेटेड हो गया जी। हाँ, आपकी आवाज पे किसी और गा रहा है, कोई म्यूजिक पे कोई और गा रहा है। हाँ, ये म्यूजिक के साथ आई थिंक वो जस्टिस नहीं हो रहा जो कि इजियर होने की वजह से हम उस तरफ चले गए हैं। हाँ, गाना बजाना एक वाकई ऐसी चीज है जो कि बहुत इंसान को ऑनेस्टी चाहिए, माँ बाप का अदब चाहिए, उस्तादों का अदब चाहिए, और बहुत बैलेंस, लफ्ज भी बड़े बैलेंस हो, बिल्कुल, फिर जाके वो मंजिल मिलती है। भाई कवाली तो आपके घराने की लेगेसी है, ठीक है ना, मगर आपने मॉडर्न म्यूजिक को या वो ज्यादा आपने उसको प्रेफरेंस दी, तो घर वाले ने कुछ कहा नहीं कि भाई ये क्या मॉडर्न म्यूजिक की तरफ जा रहा है? घर वाले मैनू कहंदे जे मैं बुरा करदा तो मैनू के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद खान साहब उन्होंने मुझे शुरू से देखे, मैं तबला बजाता था तो मुझे एक दिन कहने लगे यार तू तबला क्यों बजाता है,
तू गाया कर, तू अच्छा गाता है। अरे वाह। फिर उन्होंने मुझे गाने की तरफ लगा। हालांकि मैंने 4-5 साल इतना रियाज किया तबले का कि अब भी मैं आपको तबला सुनाऊं आप कहेंगे कि ये तबला ही बजाता है बंदा। मगर लय पक्की होगी ना फिर। हाँ फिर लय पक्की। अच्छा जवेद भाई वाकई कवाली का इतना रूज है कि अजकल तुम देखो लोगों ने घर शादियां रख लेंगे ने कवाली सुनने वास्ते। भाई ट्रेंड हो गया। तुम्हारी ऐसी कभी वीडियो नहीं वेखी शादी ते भी की चोरी चोरी गा के निकल जाते शादी ते। हुण देखो एक कवाली रह गई पाकिस्तान चे, मतलब ए मैं कहना बुरी गल नहीं गी, लेकिन अगर उन्हें चाजना किया जावे तो कवाली भी एक बड़ा बहुत ही अच्छा फील्ड। क्या बात, क्या बात? इतने बड़े क्या बात? जिस तरह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन औलिया और स्पेशली जो जो मनकबत हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा और नाथ शरीफ हैं, ये इनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो अभी भी मैं समझता हूँ कवाली एक एक बड़ा बहुत बड़ी लेगेसी है। जावेद सर अगर मैं शादी करूँ और अपनी शादी पे कवाली का फंक्शन रखूँ तो क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे? डिपेंड करता है कि आप शादी इनसे करी या किसी और से। नहीं ऐसा, चले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अगर कबूल है कबूल है कबूल। नहीं ऐसा नहीं, अगर अगर शादी मेरी किसी अगेंस्ट के खिलाफ कर रही होंगी तो मैं फिर चार्ज करूंगा। हाँ, है? अगर आप चाहत के साथ शादी करी तो चार्ज करेंगे तो बल्कि सर चार्ज करेंगे। वो सर चार्ज होगा। चाहत नाली कर ला चंगा ना जिंदगी दी समझ आवे ना सरगम दी। जब दुनिया में आपने बड़ी जगह परफॉर्म किया है, इंडिया के अंदर आपका काम बहुत लोगों ने पसंद किया और इंडियन फिल्मों में भी आपने बड़ा गाया, बॉलीवुड के अंदर क्या ऐसी खास बात है जो बार बार आपको बुलाता है? बॉलीवुड में मुझे लगता है कि वहाँ टैलेंट की बहुत कदर है। पाकिस्तान में वो टेरिटरी छोटी होने की वजह से वो टैलेंट को इतना जाना नहीं जाता, क्योंकि वो जब टैलेंट जानने की बारी आ जाए तो मुल्क खत्म हो जाता है। छोटा मुल्क है ना। बिल्कुल। तो वो उस हवाले से लोग भी ज्यादा हैं और वो काम को समझने वाले लोग हैं, फिर उनका मजहब है ये। जब मैंने ये बाजीराव मस्तानी का गाना गाया था तो संजय लीला बंसाली खुद उन्होंने मुझे कॉल की थी और ये कहा था कि मेरे गाने को आपने 8 चांद लगा दिए। मैं इस तरह सोच ही नहीं सकता सदियों जिस तरह आपने मेरा गाना गा दिया। वाह वाह। कहते मैं पहले आर्टिस्ट हैं जिसको मैं कॉल करके दाद दे रहा हूँ। क्या बात, वाह वाह वाह। के साथ आपने बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम किया? सब के साथ। कोई ऐसा गाना जो आपको फंस गया हो कि यार है जरा मुश्किल सी? नहीं फंसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। वो एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ये गाना काफी मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि उसमें सारी ताने थी और वो पिया तू काहिर उठा रहे थे का गाना था, कहानी मूवी का पहला गाना मेरा यही था बॉलीवुड में, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत दुर्द कहते हैं क्लासिकल में, जो कि तान का पोर्शन होता है। ये विशाल शेखर की कंपोजिशन है और कहानी मूवी का गाना है। बहुत मुश्किल मुझे लगा था लेकिन मैं अल्लाह का करोड़ एहसान मंद हूँ कि मुझे एहसान ही लगा था। इतना रियाज किया है। बहुत दिनों तक एक छोटी सी ब्रेक लगे के आते हैं, अभी आप ना रूठिएगा, विल बी राइट बैक। माइंड ना करना ये बात। वेलकम बैक खवातीन हजरात। आज वाकई ही क्या हम लोगों ने 4 चांद लगा दी हैं क्योंकि जावेद बशीर साहब हमारे पास। क्या बात जी। जहां हम लोग क्लासिकल मौसीकी की बात कर रहे थे तो क्यों ना सर क्लासिकल मौसीकी की। गरज बरस सावन फिर आयो, गरज बरस सावन फिर आयो, गरज बरस गरज बरस गरज गरज बरस गरज बरस गरज बरस ये आले। अच्छा फैमिली शो दुपट्टा सही करो। मैं क्या गल सुनो, शोले फिल्म च अमजद खान ने पहला ठोडा तुहानू नहीं सी मारिया? अपनी बक बक बंद की जाए। अकाउंट ने बट साहब, हम शहनशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक रतन हैं। ओह, हमारा नाम तानसेन है। तानसेन आप हैं? tansen.com। ये मेनू ते अल्लाह पुला देवे तुसी जनान सेन लग रहा है। अच्छा वैसे डॉट ला के तुसी बच गए हो, नहीं तो कौम तुहाडी दा मुंह तो ही पता लग रहा है। लेकिन तानसेन आप यहाँ पे आए क्यों हैं? बस सीता, बस सीता। तुम ना बोलो, तुम जब बोली हो हमारी धज्जियां उड़ा दी हैं तुमने। मैं क्या नुकसान से? आपने तो कहा था हमने सिंगर बुलाए हैं, ये तो कॉमेडियन है। भाईजान आप क्या हैं और यहाँ क्यों आए? क्यों आपको पता है यहाँ इतना क्लासिकल मौसीकी का शो हो रहा है? छानपुरा रखा हुआ और आप आ गए हैं। लेकिन ए छानपुरे वाला जी, जहाँ तान बुरा हो वहाँ तानसेन का क्या काम? यार मैंने इसलिए तुझे गेटअप कराया यार, बड़ी बात है यार। तानसेन बनाया हुआ है उसमें ही रहने दिया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तानसेन हैं? ऑफ कोर्स। आपने रियासत कब से शुरू की थी? छोटे होते से। तो कौन सा राग आपका फेवरेट राग है? राग सिलेंडर।
मर गए। कुछ सुनाए सर, कुछ सुनाए थोड़ा सा राग सिलेंडर आपने। यस जी, जरा सुनाए। मोरे घर आए जनवा, मोरे घर आए जनवा, डाल डाल कुके कोयलिया, डाल डाल कुके कोयलिया, मनम यौवना ते आंगनवा। वाह 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 वाह। जेंज दुपट्टा ठीक कर रहे ना, तानसेन लगता है हंजरवाल मेले तो आया है। हमें झुकते ना की जाए और तेनु खारिश कीती जाए। तानसेन अब लास्ट टाइम बस सीता तुम ना यार, तू अपना काम कर। सीता केड़ी आ गई बेचे यार, महरीन है, महरीन आर्टिस्ट है साड़ी, बहुत अच्छी। सीता था जिसके लिए मरता था। सीता था जिसके लिए। सर आप आ तो गए हैं, आप इनको बताइए कि हम जब मल्हार छेड़ते थे तो बारिश बरसा देते थे। हाय हाय, ये जब मल्हार छेड़ते थे तो इनको कुल्हाड़ पड़ते थे। ये बताइए कि जब हम ड्राप पर दीप छेड़ते थे तो पानी में आग लगा देते थे। वाह, आग में कूद भी जाते। तू बोलनी सारी लैणा भूल जानी है। एडी मुश्किल चार घंटे लगे काजी मेरे वक्रे सिर। मैनू एक तानसेन साहब वाल देख के बड़े बाइज्जत साढ़े वाले, मतलब वो एक बंदा मोटरसाइकिल खोल लगा ना किसी तो, मोटरसाइकिल काट इधर, बस पिस्टल काट ले, तेन मौला होर देगा। अच्छा तानसेन साहब, जहां तक अगर आप तारीख में देखें तो तानसेन की दाढ़ी नहीं थी। ओ, इन्होंने बनाई है। ये एक्चुअली गुरेला से बहुत इंस्पायर्ड है। ओह माय गॉड, सीतन बाहर कटो। जावेद बशीर साहब, तानसेन की कुछ तारीफ की जाए। देखिए जी, वो जगत उस्ताद और मेरे जैसा एक स्टूडेंट और बिल्कुल ही छोटा इंसान, उनकी क्या तारीफ कर सकता है। वाह वाह, ये नहीं, ये वो तो उनकी बात थी, आप इनकी बात कर रहे हैं। ये तो हमारे तानसेन है ना, ये तो कह लें कि ग्वाल मंडी के। अच्छा चलदी गड्डी चो जे बंदे नु लांदे ने, तू फाटक बंद कर, असीं उत्थों दी आ रहे। तानसेन आप नहाए कब थे लास्ट? तुम बोलती हो तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इतना प्यार आ रहा है की गल भांजी है तेरी। अपनी बक बक बंद करो। ओके, बड़े लोग आए हुए हैं। अरे सर आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तानसेन तो कह रहे सर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। अरे वाह वाह वाह। मुझे आप तानसेन वैसे नहीं लग रहे, मुझे आप वाकई उसने कहा बनियान सेन लग रहे हैं आप ज्यादा। इन्हां नालों सुरीला ते बहुता समझदार ते ओ सी बीजू बावरा। हां ओए बीजू में बात ना करो ओए। मैं बीजू? यस, तू बावरा शरीफ दा बेटा। चल दे शरीफ पाक हुंदी। हाय ले हाय हाय। एक्चुअली मैं tansen.com हूं। अच्छा अच्छा, आजकल मॉडर्न तानसेन आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ टिप दें। वाह वाह वाह, मॉडर्न म्यूजिक के बारे में। यस मॉडर्न म्यूजिक। ये .com क्यों है? ये .com दाढ़ी। नहीं तो फिर सही रखना tansen.doom। मॉडर्न म्यूजिक के बारे में कुछ टिप्स इनको बताएं कि ये मॉडर्न हिट कैसे हो। आप इस तरह करें कि ये खुसा ना पहना करें, नंगे पैर आया करें। नंगे पैर माशाल्लाह, आते जा रहे हैं मैं कि क्यों नंगे पैर ही जावां मैं। जो गर्मी होवे उधर तुसी नंगे पैर ही फिरदा दी जिगर दी। रियाज कितने बजे किया करेंगे? जब सो जाए फिर रियाज करें। अच्छा सेंध चो जेबो कलंदरी दी केसट लईए ना तो तेरे वर्गा बाबा नाल देंदे गड्डी दे अगे अगे नचांदे जाओ जी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना मोहक बनाए, अपने हेयर स्टाइल चेंज करें। यार उसका नाम सीता नहीं है। बड़ा टिड़दा है यार तो। बड़ा जी, आज तक तू औलाद वास्ते सीता की है। असी बहुत कुछ सीता है। आप हमें प्लीज कोई टिप दें। modernTansen.com। देखिए मॉडर्न होने के लिए पहले आपका लुक चेंज होना चाहिए। यहाँ पे आपकी लाइनअप बनेगी, आपका मोहक बनेगा। ये इस गेटअप में आप मॉडर्न किस तरह लाइक? बात तो वैसे सही कह रही है कि आपको एक स्टाइलिस्ट की जरूरत है। ये जो कुड़ी रक्षे चेदरों वड़े ना परले पासों निकल के कहनी मेरी दुनिया ही चेंज होगी। अपनी बक बक बंद की जाए, मुझे बड़े उस्तादों से कोई टिप लेनी है। modernTansen.com। उन्होंने आपको तीन चार टिप्पे दे दी हैं, अब क्या आपको? वो मैं एक्चुअली लॉन्ग प्लेयर हूँ ना, टिप टिप लगा रहूंगा मैं। अच्छा, मैं ये चारों लॉन्ग प्लेयर हूँ। टेस्ट दे तानसेन ने। बाहुबली फिल्म च कटप्पा तुहाडे मुंह ते पैर रख के लंघ जांदा ना। अच्छा आपने कुछ अपना आइटम तैयार किया? यस ऑफ कोर्स जी, प्लीज जरा सुनाए।
इस शो में हमें बादशाह मिल गया, देखो सुर का हमें ओ बादशाह मिल गया, वाजद काजी मेहरी देखो क्या मिल गया, बट तेरा शुक्रिया इस खुशी के लिए, माइंड ना करना शो है हंसी के लिए, देखो सुर का हमें बादशाह मिल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तानसेन साहब आप इधर ही खड़े हैं, माशाल्लाह बड़ी बड़ी गल, तानसेन सुरचे भी है जी। हां बड़ी गल है, हर बंदा मुझे सुर फिटे मुंह कहता है। हमें तो बादशाह मिल गया लेकिन इनके आने से तो हादसा मिल गया। सीता ने गीता लगा दिया। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं माइंड ना करना ये बात। बहुत अच्छे, आइए जी आइए, बैठिए बैठिए। जुनेद बशीर साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब है कि अभी से ही मुकाबला पूरा जा रहा है, हैं? ये कुछ भी नहीं है, बस इनकी दुआओं का सदका है और कुछ बेशक है। मगर इतना बड़ा उस्ताद जब आपके साथ मौजूद हो तो डांट तो पड़ती होगी। ज्यादा तो प्यार करते हैं, बस कभी कभार जब कोई गलती हो, लेकिन डांट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए हमारे एक्टरों के ऊपर आता है कि जी नेपोटिज्म का बड़ा इल्जाम आता है, आप पे कभी नेपोटिज्म का इल्जाम आया है कि जी अब्बा हजूर ने कहा कि नहीं गाना गाना है या कुछ और करना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, हमारा शुरू से यही है, शौक भी यही है कि हम गाना गाएं और इसमें नाम कमाएं बस। हाँ बेशक जी। अब्बा हजूर की क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है? बस इनके साथ जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पहली बात तो प्रेशर बड़ा होता है, जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करना और गाना तो काफ़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो बस होता है, फिर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अगर जो भी हमारे एंड से हो पाए हम उसको अच्छा करें। गाना गाना क्या इनबॉर्न टैलेंट होता है? डू यू थिंक आई कैन डू इट, आई कैन लर्न एज वेल? और ये इनबॉर्न होता है क्योंकि या आप गा सकती हैं या नहीं गा सकती। और आप कहते हैं ना कि हमने रियाज करके ये कर लिया वो कर लिया, वो नजर आ रहा होता है कि रियाज से उसका गाना बिगड़ गया या सही हो गया है, क्योंकि वो आप उसको पॉलिश कर सकते हैं या मिसाल के तौर पे उसको तैयारी कर सकते हैं, उसको फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन आप सुर है जो वो लय है वो बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है। अच्छा एक और बात बताएं, सुरीले और नशीले गानों में क्या फर्क है? मैं तो सुरीले और नशीले मैं दसदा, सुरीले गाने वो होंगे ने जिन्हों बंदा सुनता है फैन, ते सुर च खोया 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 गुम हो जाता है। नशीले गाने वो होंगे ने जिन्हों फैन सुनता सुनता चार कु वारी विचों जूस पींदा, उस तो बाद सिंगर दे कोल जाके स्टेज च वजदा, फिर अपने दोस्तों दी जेबां चो कढ कढ के सिंगर ते सुट रहे होंदा ते नाल वड्डे पावे रखे होंदे। फादी ना साथ अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ओवी से बात है, जावेद साहब आपने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ कलेबरेट किया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आगे आप किसके साथ कलेबरेट करना चाहेंगे। दो ऑप्शंस हम आपको देंगे, उनमें से एक आपने चूज करना है, एक को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एंड में जो फाइनल कलेबरेटर रह जाएगा। ठीक है जी, आइए जी माइंड द कलेबरेशन। एक तरफ दलेर मेहदी साहब और दूसरी तरफ हरिहरन साहब, कोलैबोरेट करना है ना? जी जी कोलैबोरेट करना। हरिहरन जी, हरिहरन साहब। वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, कोई खास वजह इसकी? क्योंकि मेरा जो जॉनर है वो इनका तकरीबन मिलता जुलता है, तो इसलिए जरा बंदा को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में बाहर भी आके बंदा कहे अच्छा जी दलेर मेहदी ना अगर मैं करके। हां नहीं वो उनका कुछ और जॉनर है, मेरा कुछ यही तो है, वो यही तो जरा स्पाइस हो जाएगा। अच्छा कैसे ये दलेर? आप क्या कहते हैं, आप किस तरह खुश हैं भाई? आपने कहा हरिहरन, आप क्या कहते हैं? हरिहरन। हरिहरन ओ भाई दलेर हुण कदी आ मिल सा वल यार, इंज गांदे अच्छे तरीके नाल। नहीं अच्छा गाते हैं सुरीला, गाते बहुत अच्छा है दलेर पाजी, लेकिन एक स्टाइल है वो, ठीक कह रहे हैं, उनका जॉनर ही है। हरिहरन साहब के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, दलेर पाजी को हम लोग एक्सक्यूज करते हैं जी। ओ वाह, ये कौन है? ए दुआ लीपा, इन्हें नु पता है, देखो ना टिकटॉक दे उते दुआ लीपा आज ही अमेरिका की बड़ी टॉप ये सिंगर है दुआ लीपा, आजकल बड़ी हिट हुई है। ओए होए, तो आपको तो पता है आपने बड़ा मतलब गोरो के साथ भी कोलैबोरेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अभी तक आप हरिहरन साहब के साथ रहेंगे या दुआ लीपा पे आ जाएंगे? सोच ले, इंसान है। वैसे इस दफा मैं कुछ चेंज करूंगा, उसकी वजह यह है कि हरिहरन के साथ तो मैं कर बैठा हूँ,
क्या बात, अल्लाह बनता है ऐसी, अब क्यों ना एक नए रास्ते की तरफ। अच्छी बात है जी, उसकी वजह ये है ना कि भाई वो अब नया मोड आ गया है, तो उनके साथ तो एक गाना कर बैठा हूं। जी जी जी, अब ये भी काल यही बनता है, बनता है। तो हरिहरन साहब को हम लोग एक्सक्यूज करते हैं और दुआ लिपा पे रहते हैं, ठीक है जी। दुआ लिपा, तुसी की कर रहे हो, मैनू समझ ज्यादा हैरान कौन कर, लगता तुसी सिंगर तो गाना छुड़ा देना। ए जी केटी पेरी, केटी पेरी बहुत पैजा पेरी है, पेरी पेरी पिछल पेरी, पिछल पेरी है केटी पेरी। केटी पेरी आपको पता है जी बहुत मशहूर सिंगर है और डुआ लिपा से भी बड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे हुन पेरी पेरी या पेरी पेरी फ्राइड चिकन? नहीं बट साहब तुहाडी भी ज्यादती है ना, नाल जवान बैठा बैठा है, तुसी केड़े ऑप्शन आए हो भाई आप बताएं, ये कोलैबोरेशन आप बताएंगे। दुआ लिपा ठीक है, हाँ दुआ लिपा है, बड़ी दुआवां कीती हैं। आप भी दुआ लिपा पे अभी रहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये नहीं पता कि अब गाने में मैंने दोनों को नहीं सुना हुआ, तो शक्ल पे आ जाते फिर। नहीं शक्ल पे नहीं, गाने पे रहे, गाने पे रहे। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि दोनों से करनी चाहिए लेकिन सुनने के बाद। हाँ हाँ, दोनों से कर लें, चार तो जायज हैं ही ना। हाँ। मगर यहाँ एक तो चूज करना पड़ेगा, वो ठीक है केटी, केटी 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 ठीक है, और डुआ लिपा को हम कहते हैं ओके बाय बाय, एक्सक्यूज कर लेते हैं, एक्सक्यूज ओके जी, केटी हो जी, माइंड ना करना दुआ। ओए प्यारी सी, अरे वाह वाह वाह, सोनू निगम साहब, बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम सोनू निगम साहब, प्लेबैक सिंगर भी है, कमर्शियल गाने भी उन्होंने गाए हैं और वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सुभान, आपकी मुलाकात भी हुई हुई है उनसे? मेरे तो दोस्त हैं, मेरे फैन बहुत बड़े हैं। अब यहाँ आप केटी पेरी को प्यार करेंगे या आप अपने दोस्त के साथ प्यार करेंगे? यहाँ थोड़ा सा ये है कि सोनू जी को मैं इस दफा इनके साथ करना चाहता। अच्छा, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। हाँ। और केटी पेरी को हम बाय बाय कह देते हैं, इनको बाय बाय कह दे। केटी पेरी कार पहुंचो, खैरी खैरी है मेरा पुत्र, चल मेरे पास। अरे वाह वाह वाह, बात है क्या बात। आरिफ लोहार साहब आजकल तो वैसे ही छाए हुए हैं हर पासे, आ आ आ मौजी का नाम, क्या बात है जी। आरिफ भाई के साथ वैसे आपकी कैसी है सलाम दो? आरिफ भाई मेरे बहुत मतलब हमारा प्यार है और एक समझ ले फैमिली लिंक्स है, वाह वाह वाह, अच्छे इंसान है। नईम साहब हैं जो इनके सारे, मुझे ये मुझे पूरा खानदान ही बहुत प्यार करता है, क्या बात, और मैं भी इनको करता हूँ प्यार। तो ये प्यार फिर कोलैबोरेशन में बनना चाहेगा या आप सोनू जी? कोलैबोरेशन इसलिए थोड़े सी मैं लेट करूंगा क्योंकि वो इनका भी जॉनरा और मेरे जॉनरे में काफी फर्क है। क्यों, आप क्या कहते हैं आप जरा थोड़ा सा हमें आरिफ भाई के साथ? हाँ जी, एक एक करके ऐसी बंदे छड़ी जा रहे हैं तो सोनू भाई नु छड़ दे होना कि आरिफ भाई। अब बस ठीक है, आरिफ भाई ना कर लेंगे जी, आरिफ भाई के साथ कोलैबोरेट करेंगे सोनू जी को, खुदा हाफिज़। हाँ भाई, सोनू चल मेरा पुत्र एंजॉय कर इंडिया। ओए 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 भाई जी। अच्छा जी, एक तरफ हमारे राहत साहब, दूसरी तरफ आरिफ साहब और यहाँ जावेद साहब। वैसे अगर ये तीनों कोलैबोरेट कर ले तो क्या बम आइटम बन जाएगा, क्या बात, क्या। मगर यहाँ चूज एक को करना है आपने, राहत भाई, राहत साहब, सुनीति चौहान किस बंदे दी, मैं समझ नहीं, तस्वीर फ्रेश करके लेके आ रहे। नहीं अब ये सुनीति चौहान, सुनीति का एक अपना नाम, एक तरफ राहत और एक तरफ सुनीति चौहान। सुनीति, सुनीति, एवा सुनीति, राहत भाई को हम बाय बाय कह रहे हैं, इंशाल्लाह बाय बाय। इंशाल्लाह बाय बाय। अरे वाह, एपी डिलन, एपी डिलन एंदे तो पूछो एपी डिलन कौन है गया। हाँ जी, तू दास दे, तू भी बोल। मगर फिर भी सुनीति के साथ रहेंगे, एपी डिलन के साथ, अभी तक उसके साथ अच्छा गुजारा हो रहा है। एपी मुझे दे दे। एपी आपको चाहिए? हाँ, तू पैक करके पर्स रख ले। भाई एपी डिलन आजकल बड़े हिट हुए हैं, आजकल बड़े उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सुनीति के साथ ही। मैं हाँ, okay. इनको खुदा हाफिज कह दे अभी। एपी डिलन को खुदा हाफिज कह रहे हैं। लास्ट आ रही ऑप्शन, अली सेठी। अली सेठी नहीं, सुनीति चौहान। नहीं, सुनीति चौहान कोलैबोरेट करेंगे। गुजर रहे हैं आप, क्यों इस तरह का? मुझे पता है, ठीक है। बहरहाल अली सेठी बहुत अच्छे हैं भाई। अली सेठी, अली सेठी सुरीला आर्टिस्ट है हमारा, पाकिस्तान का बड़ा पक्का बंदा है यार। लेकिन आप समझने की कोशिश करें,
नहीं बहुत अच्छी। अब्बू भी हिट, बेटा भी हिट, अम्मी भी हिट, और बहन भी, पूरा खानदान हिट, पूरा खानदान हिट, सारा पूरा खानदान टैलेंटेड। खवातीन आजाद, लेकिन आप सुनीति के साथ जाएंगे? जी 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 इंशाल्लाह। ठीक है, उबर करवाए, इनको सुनीति के साथ ही भिजवाते हैं, कोलैबोरेट करेंगे सुनीति चौहान के साथ। थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट मिस ना कीजिएगा, आई डोंट माइंड इज नेक्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन हजरात आप देख रहे हैं माइंड ना करना, एंड इट्स टाइम फॉर आई डोंट माइंड। यस, तो जी आज का अपना सेगमेंट शुरू करते हैं, जिस चीज से आप एग्री करें उस पे आप कहें कि आई डोंट माइंड, जिससे एग्री नहीं करेंगे आई माइंड। ठीक है, कब लहदा लहदा कीजिए। पहली स्टेटमेंट, क्लासिकल मौसीकी क्लासिकल घरानों की मलकियत है। आई माइंड, आई माइंड, आई माइंड, दोनों ने किया। पहले आप, क्यों? क्योंकि ये सबके लिए है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस में अटेंशन कितनी देते हैं, उसको सीखना कितना चाहते हैं। फिर एक उसमें प्रॉब्लम है कि आप क्या बाय बर्थ भी आपके पास लहसुर है, वा वा। जो कि बेसिक्स हैं, तो वो आपको ये है हर बंदे के लिए, लेकिन क्लासिकल घरानों की वजह से मतलब राग तो सारों ने सारों के सामने गाए हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सीखने वाले ने नहीं उस तरह सीखा, या मेहनत करने वाले ने उसको इस तरह नहीं लिया, तो ये प्रॉब्लम है उसमें। मगर हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि वो जो घराने हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ही है, ये हमारे ब्लड में है, हम प्योर ब्लड हैं, तो ये हमारी मिल्कियत है, तो ये एक ट्रेंड है यहाँ। नहीं, बट सब ये चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारा पैसा लगाया गाने पे और उस्ताद से सीखा और उनको नहीं आया, उस्ताद ने बताया और उनको कभी नहीं आया, ये उन लोगों का स्टेटमेंट आप बता रहे हैं। बिल्कुल, और वो फिर ये भी कहते हैं ना कि भाई जान ये अगर ये हम में से नहीं तो फिर ये वो प्योर ब्लड नहीं और वो सारे कुछ है, बस ठीक तो है। वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, मैं समझ गया हूं। नाज़रीन, दोनों ने अपना अपना मौकफ पेश किया, दोनों के कहने का मतलब मलकू था लेकिन नाम नहीं ले रहे। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेशनल सिंगर बनने के लिए दम वाला पानी पीना बहुत जरूरी है। I don't पीलो तो हर किसी को। don't mind. आप क्यों नहीं माइंड किया आपने ये बात? देखिए, ये उनकी कोई पर्सनल चीज है, कोई उनके मतलब बिजनेस की चीज है, इसलिए मैं तो उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और हमेशा देता रहूँ। गुड, आप जी भट्ट साहब। किसी को उसके काम पे जज करना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जो करे ठीक है। हाँ, ये वो जब चीज जरा सामने आती है और अगर एक बंदे ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके सबसे अपोलोजाइज किया, गलती हर एक से होती है। नहीं, मुझे जो लगा है भट्ट साहब, ये किसी ने बात नहीं उठाई कि जो वो मार रहा है वो मेरा ख्याल चोरी की वजह से मार रहा है। जी, जी, ये चीज चोरी की है। हाँ जी, क्योंकि पता आपको इस्लाम में कितनी ममानियत है, हाथ काट देने का हुक्म है। हाँ जी, अगर उसने मारा है उसको चोरी की वजह से, पहले भी उसके साथ वो बहुत मतलब वो दम वाला पानी पीता। मुझे देखे, मुझे उस चीज पे ये भी था कि वीडियो कौन बना रहा था, वीडियो कौन बनाता पिया सी, कोई दुश्मन था, यही कहना बस वही ना। ओके ठीक है, आप दोनों के पॉइंट आ गए हैं, और लेकिन जरूरी बात यह है कि दम वाला पानी पिए सिंगर, सियासतदान हो तो वो शहद पीते हैं। ओके, पीछे पीछे कीजिए। शहद वाला पानी, शहद वाला पानी। मेरा अगला पॉइंट जी, मिकाल हसन को कवाल के साथ ही गाना चाहिए। है मिकाल हसन? हाँ, नहीं नहीं, आई माइंड, आई माइंड, दोनों ने माइंड किया। पहले आप। हाँ, ये देखिए, भट्ट साहब भी उनको जानते हैं, मैं भी। शहजाद खान कवाल हैं। वो देखें, वो उनकी चॉइस की बात है, सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा कि वो क्या म्यूजिक को अब इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि उनको उनके साथ ही काम करना है। तो हम कौन होते हैं माइंड करने वाले? वाह, या आई डोंट माइंड। मैं इसलिए माइंड करता हूँ कि आई थिंक मिकाल को थोड़ा सा वर्सेटाइल अब होना चाहिए, उसको पॉप के अंदर भी जाना चाहिए, उसको जैज, और वो हर एक को पता है कि उसकी कॉम्पोजिशंस और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। लेकिन डिफरेंट सिंगर्स के साथ काम करना चाहिए, बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी आप दोनों का कहना है कवाल के साथ भी काम करें, बिल्कुल, और ऑप्शंस पे भी उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल, ओके ठीक है, आपके कमेंट्स आ चुके हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जरा कप पीछे कीजिए। चाहत, फतेह अली खान को गला सुरीला करने के लिए ब्लेड चूसने चाहिए। आई डोंट माइंड। ओके आप। यार ब्लेड नहीं, इधर रखे। अच्छा, ये आपसे शुरू करते हैं। यार मतलब भाई देखिए, चाचा साहब हमारे शो पे आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, देखिए सुर जरूरी नहीं है,
उन्होंने कहा था कि सुर जरूरी नहीं है, बस आप में लड़ने के लिए फायरिंग के लिए सुर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। आपका स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा आपका स्टाइल होना चाहिए, और उन्होंने एक महीने में 4 नए राग बनाए हैं। वाह वाह वाह, बैठे बैठे जो के कहते हैं कमालिया से पाक पतन जाते हैं ना। एक आप... राग मोहब्बत बनाया है। हाँ जी। हाँ, और एक देखिए जी, उनका सवाल है, हमने तो कमेंट ही करना है ना। हाँ जी। ओ, हाँ, हाँ। ओके। सवाल तो आपने उनका है कि ब्लेड से ब्लेड चूसने चाहिए गला सुरीला करने के लिए, तो आपने कहा डोंट माइंड, आपने कोई या इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्लेड की मुलठी पीनी चाहिए। ओके, मैं समझ गया, आपका भी यही है कि आप दोनों ने एग्री किया। यार ये बंदा हमें बहुत प्यारा है और हमें जानता है काफी सालों से। ऐसे ही तो मैं चुप्पा। ओके जी, अगले एक जरा सीरियस पॉइंट पे चलते हैं कि पॉपुलर म्यूजिक में इमेज ज्यादा जरूरी है। इमेज? हाँ, यस बिल्कुल 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 एग्री। आई डोंट माइंड आप बिल्कुल, यानी इसको मैं अगर सादा बिल्कुल तो सही गाने आप पॉपुलर भी हों और साफ सुथरे भी हों। हाँ। सिंगर दे दंद गंदे ने ना जी, नहीं होते फिर नहीं, नहीं। बहुत गलत हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खूबसूरत भी लगे और पॉपुलर भी। जो आपके साथ तस्वीर खिंचवाने आए उनको आपसे एक अच्छा माहौल मिले, वो तस्वीर खिंचवाना चाहे। और देखिए पॉप म्यूजिक जो है ना वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा होता है, पॉपुलर कल्चर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये भी याद रखें। और सफाई निस्फ ईमान है। आपकी इमेज जो है बड़ी जरूरी होती है पॉप के अंदर, कि भाई आप नए बच्चे हैं, आप आए हैं, कड़क कड़क किया है, मगर 3 साल बाद और नया आएगा आपको रिप्लेस भी कर देगा। हाँ, जाहिर है क्लासिकल और पॉप में ये फर्क होता है भाई। मुझे लगता है अहमद, जो पॉप है ना वो लोग पाप से ले रहे हैं, पाप गुनाह ज्यादा करने और सिगरेटे और वो मतलब शौक, शौक एलिमेंट पेंटे फटी हों और गिरेबान फाड़े हुए हों और सिर पे बाल ना हो, इस तरह की चीजें हैं। नहीं, वो जारी बात है, वो शौक एलिमेंट होना चाहिए। मगर वही बात है कि पॉपुलर कल्चर का आपकी थी कि भाई इमेज, तो हाँ पॉपुलर कल्चर हमेशा इमेज पे ही चलता है। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कच्चे सिंगर को कच्चे कीमा करेले खिलाने चाहिए। हाय 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 हाय, I don't mind। Yes, आप चलो ठीक है। कच्चे सिंगर को तो वाकई उसको करेले देनी नहीं चाहिए, क्योंकि कच्चे भी नहीं देने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है, देखिए मेरी बात सुने, ये करेलों की तौहीन कर रहे हैं। अब उसको करेले बना के अच्छी तरह उसको खिलाने चाहिए, ताकि उसको पता चले कि भाई मैंने कुछ सुरीला कम हुआ है, कोई अच्छी चीज और सुरीली चीज क्या होती है। ये इनडायरेक्टली आप चाहत को कह रहे हैं। नहीं भाई, हम चाहत की बात नहीं कर रहे, हम करेलों की बात कर रहे हैं। तुम असी अपना शो ना करिए, उन्होंने दी गल्ला करी जाइए। बड़ा ओदा नहाते धोते भेडू वर्गा मुंह है। आपको पता है करेले कीमा या करेले गोश अगर सुरीला पका होना, वाकई उनकी बात बड़ी अच्छी है कि भाई एक बेसुरे बंदे को वाकई अच्छे करेले ऑफर करने चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि भाई मैं क्या चीज़। सबसे मुश्किल काम जो है ना करेलों का, ये मैं आपको बता दूं जी, अगर उसका कड़वापन आपने खत्म कर दिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मटन में, कटन ना हो, कटन का गोश्त ना हो, क्या कटन नहीं मटन, कटन नहीं, क्या बड़ी गल है, कटन का गोश्त ना हो, मटन का हो, आया तो फिर वो आपको कभी खिलाऊंगा मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको महजूज कर दूंगा अल्लाह की मेहरबानी। आप पैकअप करते हैं चलें जरा। जी अगले पॉइंट पे बड़ा, वैसे ये जरा सोच समझ के जवाब दीजिए जी। जी, मिनिस्टर्स के बच्चों की फीसें माफ होनी चाहिए। आई माइंड बल्कि आई माइंड लेकिन बहुत जल्दी इस चीज को रिजॉल्व भी कर दिया गया। हमारे पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और मजे की बात है गवर्नमेंट ने भी इसको क्या कहते हैं हाईलाइट किया, और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर प्रिंसिपल ने अपनी रेजिग्नेशन वापस ले ली। किसी भी कॉलेज का एक उसकी पॉलिसीज होती है, उसका डिकोरम होता है बिल्कुल, और प्रिंसिपल उसका बाप होता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बाप के ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो जो भी ये हुआ था, बाप भी वो होता है अहमद जो बाप की तरह हो, या बाप ही हो। नहीं नहीं, और HSN कॉलेज की जो प्रिंसिपल है 8 साल से वहाँ है। वाह वाह वाह, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, तो आई थिंक हैट्स ऑफ कि जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया और 1 दिन के अंदर मसला खत्म भी हो गया। अच्छा, ये मिनिस्टर्स के बच्चों की चलो फीसें माफ हो या ना हो, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबका है, उनकी तो फीसें माफ होनी चाहिए बिल्कुल। गवर्नमेंट को चाहिए उनके यूनिफॉर्म्स दें, किताबें दें। ये सर हमें बहुत सारा इसको सीरियस लेना चाहिए, इसी में बरकत आएगी और इसी से हम अपने मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अच्छा जी, पेड़े वाली लस्सी खोए वाली लस्सी से बेहतर है।
पेड़े वाली लस्सी वो पेड़ा नाल लस्सी फिर खोया भी बेचे यानी पेड़े वाली लस्सी खोए वाली लस्सी से बेहतर है आई माइंड आपने तो माइंड कर लिया आपने भी कर लिया पहले आपसे शुरू करते हैं नहीं कि मैंने इनकी वजह से किया क्योंकि हर चीज में एक नफासत होती है कोई शक नहीं जायका भी एक एक बैलेंस पे खड़ा है ना क्या बात अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाए वो जायका ही नहीं रहता अब वो पेड़ा भी डाल दे उसमें सौंफ भी डाल दे धनिया भी डाल दे वो खराब हो जाएगा यार उसको उस चीज तरह रहने प्लस मुझे लगता है वो पेड़े वाली हो खोए वाली हो मुझे एक्चुअली पेड़े दो और खोए दोनों वाली नहीं पसंद मुझे अहमद माफ कर दे अहमद इस कोट पे एक और कोट पहन ले वो क्या लगेगा डबल कोट हाँ डबल कोट ट्रिपल कोट गू कोट नहीं नहीं डज कोट डज कोट मगर मसला ये है कि भाईजान मुझे सिंपल लस्सी अच्छी लगती है वाह 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 उत्ते खोए पा दियो पेड़ा पा दियो या उत्ते की कहने ने बजरी पा दियो बजरी पा दियो नहीं नहीं ये तो आपके ऊपर है भाई आई माइंड सर आई माइंड सर आई आल्सो माइंड ओके ओके मैं समझ गया हूं आप दोनों ये चाहते हैं कि लस्सी सादी होवे जी सर ओके भावें मीठी होए आए गर्मियों में कच्ची और नहीं लेकिन हो असली दूध की यस हाय हाय वो दही अच्छा दही। बनाया हुआ और साथ वो अगर थोड़ी सी हो ना खट्टी तो उसमें थोड़ा सा दूध उसको बैलेंस किया जाए ओके मैं समझ गया हूं आप दोनों कहना चाहते हैं कि लस्सी सादा हो पामे गिलास आधा हो ओके अच्छा जी लास्ट पॉइंट है सोच समझ के जवाब दीजिए जावेद बशीर को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए आहा आई डोंट माइंड आई डोंट माइंड आगे लिखा है पामे 2070 च मिल जाए लेकिन लेकिन ए ते गलती हो गई होने देता उन्होंने जावेद भाई सर थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो पे आए चार चांद लगा दिए और क्या बात है जाने से पहले पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि आजकल आप क्या माइंड कर रहे हैं मेरा माइंड यही है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे आमीन और इस कौम पर अल्लाह अपनी खास रहमत करे आमीन और हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे दोस्तों के साथ ऑनेस्ट रहें सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करें वाह क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उन लोगों के करीब हूँ जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं क्या बात इसका मतलब है हमें शुरू से लेकर आखिरी हिसाब किताब तक हमें माँ बाप का साथ देना है और अपने बहनों भाइयों से मोहब्बत करनी है और अपनी जमीन से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत बड़ी कौम बनने जा रहे हैं आमीन आमीन जी जमीन से मोहब्बत तो हमारी इतनी है कि सुते पे प्यो दें अंगूठे लगवा के तीन मरले ले जी दिए भाई जान अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा मायना कीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद